नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शन भजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपसे बात करने जा रहा हूँ वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के बीच में होने वाली 4 T20 मैचों की सीरीज के चौथे मैच की प्रेडिक्शन के बारे में, जो भारतीय समय अनुसार रात को 8:30 बजे से स्टार्ट होगा। दोस्तों ये मैच 3 अगस्त 2021 को प्रोविडेंस स्टेडियम गोयाना में खेला जाएगा। इस वीडियो में हम स्टेडियम, पिच रिपोर्ट, वेदर, हेड टू हेड और खिलाड़ियों के प्रदर्शन से इन दोनों टीमों का कंपैरिजन करेंगे। साथ में दोस्तों मैं मेरी पर्सनल प्रेडिक्शन भी आपको बताऊंगा और एक फैंटेसी टीम भी आपको दूंगा। दोस्तों आप इस मैच के एक्यूरेट प्रेडिक्शन लेना चाहते हो तो टोनी से कांटेक्ट कर सकते हो, इनका काम काफी बेटर है। इनके व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिए। दोस्तों बात कर लेते हैं इन दोनों टीमों के बारे में। तो दोस्तों पहले बात करते हैं वेस्ट इंडीज के बारे में। दोस्तों इनका लास्ट मैच पानी में धुल गया था और इनके एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 टीम है क्रिन पोलार्ड, आंदर फ्लेचर, क्रिस गेल, सिमरन एटमायर, निकोल्स पुरन इनके बैट्समैन है, आंदर रसेल, जेसन होल्डर, डेविन ब्रावो इनके ऑलराउंडर प्लेयर है, रोमरिया रदरफोर्ड, एडन ब्लास, अकल हुसैन इनके बॉलर है, जो दोस्तों काफी मजबूत स्थिति में है। अगर बात करें इनके अपोनेंट टीम पाकिस्तान के बारे में, दोस्तों इनके एक्सपेक्टेड उन टीम बाबर अजम, मोहम्मद रिजवान, सरजिल खान, मोहम्मद हफीज, फकर जमान, शोएब मकसूद इनके बैट्समैन है, सादाब खान, असन अली इनके ऑलराउंडर प्लेयर है, मोहम्मद वसीम जूनियर, आरिस रफ, उस्मान कादिर इनके बॉलर है, जो दोस्तों काफ़ी मजबूत स्थिति में है। दोस्तों अभी तक इन दोनों टीमों के बीच में टोटल ओवरऑल 17 मैच खेले गए, जिनमें से वेस्ट इंडीज ने 3 मैच जीते हैं, जबकि दोस्तों पाकिस्तान ने 12 मैचों में जीत दर्ज की है। और दोस्तों दो मैचों में इन दोनों टीमों के बीच में कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिला। दोस्तों वेस्ट इंडीज का 166 रन का एस्ट स्कोर है पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान का 205 रन का एस्ट स्कोर है वेस्ट इंडीज के खिलाफ, जबकि दोस्तों वेस्ट इंडीज का 60 रन का लोएस्ट स्कोर है पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान का 82 रन का लोएस्ट स्कोर है वेस्ट इंडीज के खिलाफ। दोस्तों अगर बात करें इन दोनों टीमों के लास्ट 2 ईयर के स्टेटस के बारे में, दोस्तों लास्ट 2 ईयर में वेस्ट इंडीज ने 33 मैच खेले, जिनमें से 13 मैचों में जीत दर्ज किया, जबकि दोस्तों पाकिस्तान ने भी 33 मैच खेले, जिनमें से दोस्तों इन्होंने 16 मैचों में जीत दर्ज किया। और दोस्तों पाकिस्तान अपने खेले गए लास्ट 5 मैचों में से 1 में ये जीत करा रहे हैं, 2 में ये हार करा रहे हैं, जबकि 2 में इनका कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिला। और दोस्तों वेस्ट इंडीज अपने खेले गए लास्ट 5 मैचों में से ये भी 1 में जीत करा रहे हैं, 2 में ये हार करा रहे हैं और 2 मैचों में इनका कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिला था, क्योंकि दोस्तों इस सीरीज में 2 मैच सबसे पहले पानी में धुल चुके हैं। दोस्तों इन दोनों टीमों के बीच में खेले गए लास्ट 5 मैचों में से 3 को पाकिस्तान ने जीते, जबकि 2 मैचों में कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिला। दोस्तों ये मैच प्रोविडेंस स्टेडियम गोयाना में खेला जाएगा, यहाँ पर फास्ट बॉलरों को ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पर जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग करेगी, क्योंकि यहाँ पर बाद में खेलने वाली टीम के जीतने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। हालांकि दोस्तों यहाँ पर पहले बैटिंग करने वाली टीम ने भी मैच जीते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी तक टोटल ओवरऑल 7 मैच खेले गए, जिनमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 3 मैचों में जीत दर्ज किया, जबकि बाद में बैटिंग करने वाली टीम ने यहाँ पर 4 मैच जीते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक भी मैच टाई नहीं रहा, यहाँ का एवरेज स्कोर 146 रन है और दोस्तों यहाँ का हाईएस्ट स्कोर 191 रन पर 5 विकेट का है, जबकि दोस्तों यहाँ का लोएस्ट स्कोर 68 रन पर 10 विकेट का है। दोस्तों यहाँ का स्कोर पैटर्न है 150 के नीचे 4 बार, 150 से 169 के बीच में 1 बार, 170 से 189 के बीच में दोस्तों यहाँ पर 1 बार स्कोर रहा है, जबकि 190 प्लस ओनली 1 बार यहाँ पर स्कोर गया है। दोस्तों आज की ड्रीम 11 टीम हमारी ये होने वाली है। अगर दोस्तों इसमें कुछ भी चेंज करना पड़ेगा तो आपको पता है, मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको बताता हूँ। साथ में दोस्तों वहाँ पर मैं आईपीएल, पीएसएल, टी20 ब्लास्ट, बिग बैश लीग से रिलेटेड जो भी अपडेट निकल कर आती है और दोस्तों क्रिकेट से रिलेटेड जो भी न्यूज आती है मैं वहीं पर आपको बताता रहता हूँ। तो अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया। दोस्तों बात करते हैं मेरी पर्सनल प्रेडिक्शन के बारे में। दोस्तों आपको पता है यार, इन दोनों टीमों के बीच में 4 मैचों की सीरीज है, 1 मैच को पाकिस्तान जीत चुकी है, 2 मैच पानी में धुल चुके हैं, जबकि दोस्तों वेस्ट इंडीज का घरेलू मैदान है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर दोनों टीमों का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। दोस्तों बात की जाए गूगल की प्रेडिक्शन के बारे में, दोस्तों गूगल की प्रेडिक्शन के अनुसार 60% इस मैच को पाकिस्तान जीत सकती है, जबकि दोस्तों 40% इस मैच को वेस्ट इंडीज जीत सकती है। लेकिन दोस्तों अगर बात की जाए मेरी पर्सनल प्रेडिक्शन के बारे में, दोस्तों मेरी पर्सनल प्रेडिक्शन के अनुसार इस मैच को वेस्ट इंडीज जीत सकती है। दोस्तों आप आपकी पर्सनल प्रेडिक्शन मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और दोस्तों आपको पता है यार, क्रिकेट एक अनिश्चितता का खेल है, यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। साथ में दोस्तों अभी तक आपने टोनी प्रेडिक्शन से कॉन्टैक्ट नहीं किया तो उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उनके व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। और दोस्तों अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन कर लेना, उसकी भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। दोस्तों अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगा। दोस्तों आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।